दिल्ली में कोरोनार द्वितीय लहर कोविड स्थिति को नहीं गृहमंत्री अमित शाह बैठक द्वितीय थर पर दिल्ली में अमित शाह बैठक पुणी काम देव कि अमित शाह रणनीति कोविड 19 परिस्थिति को अनुधान करने केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह गुरुत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में वर्तमान कोरोना भाइरस द्वितीय वेव आरंभ होता नहीं विशेषज्ञ मैंने मत दे तेब यह चिंताजनक परिस्थिति को नहीं दिल्ली को फोकस देवाक अमित शाह बैठक डकैते बैठक में केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्लीर लेफ्टनेंट गवर्नर अनिल बैजल और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोग देते कोविड 19 मामला दिल्ली में कमिजाई हठात पुणि बढ़ुवार देखा मिली द्वितीय थर पर दिल्ली कोविड 19 मामलें स्पाइक पर केन्द्र यह प्रसंग में सीधा सड़क हस्तक्षेप कर अपराह्न 5 दिल्ली में कोविड 19 मामलार समीक्षा करने को बैठक अनुष्ठित होता बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए आज गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई थी और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त सिचुएशन को डील करने के लिए कि सभी एजेंसीज और सभी सरकारें मिलके काम करें। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और अब सारी एजेंसीज एक तरह से मिलके काम करेंगी। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये जरूरी है कि सब लोग मिलके काम करें। शनिवार दिल्ली में 7340 मामला रिकॉर्ड होता बेले 96 जन का मृत्यु हो दिल्ली में मोट मृत्यु संख्या 7519 को छुईं जना पड़ी। गत बुधवार दिल्ली में सर्वाधिक दिनिकिया कोविड 19 संक्रमण संख्या 8549 रही बेले 85 जन मृत्यु घटी जमापड़ जातीय रोग नियंत्रण केन्द्र एक रिपोर्ट में चेतावनी देखिए शीत ऋतु कारण श्वासक्रिया जनित समस्या बाहर बहु संख्यार रोगी तथा उत्सव समारोह को दृष्टि रखी कोविड 19 केस दिल्ली में अनेक मात्रा बढ़ी पारे। एसबू परिस्थिति को दृष्टि रखी दिल्लीर कोविड परिस्थिति को नहीं उभय राज्य और केन्द्र सरकार ए दिगरे दृष्टि देउछंती। दिल्ली सरकार पूर्वरु अनेक पदक्षेप घोषणा कर सारछंती। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेजी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में, तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1,00,000-1.5 लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें ICMR ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद मिलेगी। दिल्ली में कोविड परिस्थिति को नहीं चिंता प्रकट कर वर्तमान दिल्ली को फोकस रखा जाता बेले अमित शाह रणनीति पुणि थे कम देव कि यार मध्य मुख्यमंत्री केजरीवाल आशा प्रकट कर राजधानी में महामारी परिस्थिति को आसंता 7-10 दिन मध्य नियंत्रण को अणा दरकार।